नैनीताल द सिटी ऑफ लेक्स उत्तराखंड का एक प्यारा खूबसूरत हिल स्टेशन जहां पूरे साल भर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट विजिट करते रहते हैं। एक तरफ जहां लोग समर्स में गर्मी से रिलीफ पाने के लिए यहां विजिट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ विंटर्स में टूरिस्ट यहां स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए आते हैं। और साथ में आप यहां एंजॉय कर सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ट्रैकिंग और साथ में एडवेंचर एक्टिविटीज़। तो आज इस वीडियो में नैनीताल के मेन टूरिस्ट पॉइंट जिनको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं? नैनीताल का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पंत नगर, जिसकी दूरी नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर है। यहाँ पर जो फ्लाइट्स हैं वो लिमिटेड रहती है। और बात करें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की तो वो है काठगोदाम, और काठगोदाम से नैनीताल का डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर है। और यहाँ से आपको रेगुलर टैक्सी मिल जाएंगी नैनीताल के लिए, और अगर आप बाई बस आना चाहते हैं तो आपको सभी मेजर सिटी से इजीली बसेस अवेलेबल हो जाएंगी नैनीताल पहुंचने के लिए। नैनीताल विजिट का जो बेस्ट टाइम है वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक रहता है, और अगर आप स्नोफॉल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विंटर्स में भी विजिट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर नवंबर से लेकर मार्च तक स्नोफॉल देखने को मिलेगी। और एक लंबे थकावट भरे सफ़र के बाद आप नैनीताल में अपने पहले दिन की शुरुआत कर सकते हैं नैनी लेक में बोटिंग के साथ, जहां आपको पैडल बोट और नॉर्मल बोट मिल जाएंगी। और तलिताल से लेकर मलिताल तक आपको काफ़ी बोट स्टैंड देखने को मिलेंगे, और आप कहीं से भी बोटिंग एंजॉय कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल अभी नैनीताल में जून में, और मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। ये देखिए बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो सकती है। आप जा सकते हैं नैना देवी टेम्पल, जो माता सती को समर्पित एक मंदिर है, और ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है और इस मंदिर से काफ़ी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। और साथ में ही स्थानीय लोगों का मानना है कि माता यहाँ पर स्थानीय लोगों की सुरक्षा करती हैं माता नैना देवी के रूप में। सामने नैना देवी मंदिर दिखाई देता हुआ आप विजिट कर सकते हैं नैनीताल की मॉल रोड को, जिसके लिए आपको ई रिक्शा और रिक्शे का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आप बाय वॉक भी इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मॉल रोड में आप देखेंगे कि आपको काफ़ी होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, और साथ में ही शॉपिंग करने के लिए काफ़ी शॉप्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो नैना देवी टेम्पल के बगल में ही है तिब्बतन मार्केट, जिसे भोटिया मार्केट भी बोला जाता है, और इस मार्केट में आपको विंटर्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छे क्लोथ्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स भी देखने को मिलेंगे। और
नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और ये पॉइंट है स्नो व्यू पॉइंट, और यहाँ पर आप रोपवे से और बाय रोड भी पहुँच सकते हैं, और यहाँ से आपको हिमालयन रेंज भी दिखाई देती है जो आपको टेलीस्कोप से दिखाई जाती है। और इसके बाद आप लोग जा सकते हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में, जो कि सी लेवल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई में है, और इसे उत्तर भारत का एकमात्र हाई एल्टीट्यूड जू माना जाता है, और यहाँ पर आपको कई तरीके के जानवर देखने को मिलेंगे, और इसकी दूरी नैनीताल बस स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय दर्शन, यहाँ से भी आप हिमालयन रेंज टेलीस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, और इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है नैनीताल से, और विंटर्स में आप देख सकते हैं जब स्नोफॉल होता है तो यहाँ का व्यू काफ़ी शानदार आता है, और आप ये देख सकते हैं। तो नैनीताल से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर कालोडुंगी रोड पे आप जा सकते हैं हिमालयन बॉटनिकल गार्डन, और ये प्लेस भी नैनीताल के जो मेन पॉइंट्स है उसमें से मस्ट विजिट प्लेस है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी काफ़ी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी नैनीताल के आप कैसे घूम सकते हैं और कौन सी प्लेस है जो आप विज़िट कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि आप जब नैनीताल विज़िट करना चाहते हैं या कर रहे हैं विज़िट, तो आप यहाँ पर लोकल टैक्सीज वगैरह से भी घूम सकते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर रेंटल स्कूटी और टू व्हीलर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो आप ईज़िली उनको लेकर घूम सकते हैं और पूरे नैनीताल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ में ही आपको अगर नैनीताल में बजट होटल लेने हैं तो थोड़ा आपको मॉल रोड से आउटसाइड ही होटल लेने पड़ेंगे, क्योंकि मॉल रोड के जो होटल्स हैं उनका टैरिफ काफ़ी ज़्यादा रहता है, और लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से सीज़न में आ रहे हैं। अगर ऑफ सीज़न है तो आपको मॉल रोड में भी काफ़ी ठीक ठाक रेट में रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे।
बात करें पार्किंग की, तो मॉल रोड में अगर आप होटल लेते हैं तो आपको अधिकतर होटल्स में पार्किंग अवेलेबल नहीं होगी, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट पार्किंग का ही यूज़ करना होगा। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय।